हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक्स विलन मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों आप सबकी एक कॉमन क्वेरीज आ रही थी, क्वेरीज ये थी कि सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टैगलाइन सिविल इंजीनियरिंग्स। और दोस्तों इस वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि कई लोगों के पास टेकला की गलत इन्फॉर्मेशन है, उनको नहीं पता कि एग्जैक्टली टेकला यूज क्यों करते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो शेयर तो करोगे ही करोगे, सब्सक्राइब जो नए लोग हैं वो कर देना, बाकी हमारे जो पुराने साथी हैं वो तो डेफिनेटली बहुत सपोर्ट करें, थैंक यू सो मच यार, क्योंकि बहुत मजा आ रहा है मुझे बार बार यूट्यूब पे आने में और मुझे लग रहा है कि आप लोग अभी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू यार। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं टेकला ये कम है क्या। ये टेकला जो सॉफ्टवेयर है ट्रिम्बल कंपनी के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है, ट्रिम्बल कंपनी के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है। ये किस काम में यूज आता है? ये यूज आता है 3D डिटेलिंग में। किस में? 3D डिटेलिंग में। आप सब सोचते हो कि सर ये 3D डिटेलिंग 2D डिटेलिंग क्या है? आप लोग अभी तक BBS निकालते थे ना हाथ से, और एक्सेल शीट से जिस तरीके से भी निकाल लेते थे, वो क्या होता था? वो आपका 2D डिटेलिंग होता था, 2D में आप डिटेल करके दिखाते थे लोगों को। बट अब थोड़ा सा एडवांस आना पड़ेगा आपको, क्यों? क्योंकि अब लोग 3D में जा रहे हैं, पूरे के पूरे काम 3D में हो रहे हैं, तो लोग डिटेलिंग भी 3D में प्रीफर करने लगे हैं। तो इसमें पता क्या चलता है? इससे पता चलता है कि रेनफोर्समेंट एग्जैक्टली कैसे तरीके से दिखाएंगे, लैपिंग कहां से लगाना है वो लैपिंग आप दिखा सकते हो, स्टार्टर बार किस तरीके से डालना है, उसमें बेंडिंग एंगल क्या डालना है, क्रैंक लेंथ किस तरीके से डालना है, ये सारी चीजें हम लोग टेकला के अंदर दिखा सकते हैं। टेकला के जो मुख्य रूप से तीन काम है वो कौन कौन से हैं? पहला काम है उसका मॉडलिंग, नो डाउट मॉडलिंग उतना अच्छा नहीं करता जितना अच्छा रैबिट और स्केचअप 3D स्मैश वगैरह करते हैं। दूसरा इसका काम है एडिटिंग बहुत अच्छी करता है, एडिटिंग इन द सेंस कि आपने कोई रेनफोर्समेंट डाला है उसको चेंज करना है एंड ऑल, ये सब काम होता है। और उसके बाद डिटेलिंग के लिए तो सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर अगर कोई है इंडस्ट्री में तो वो टेकला है। क्यों? क्योंकि ये पूरा बताता है कि कितने mm के कितने बाल लगेंगे, लैपिंग कितने दूर तक जाना है, L/4 कितना होगा आपका, ये भी ये डिफाइन करके दे देता है। अगर मैं स्टील स्ट्रक्चर की बात करूं, कितने mm के बोल्ट यूज करने हैं, गसेट प्लेट की थिकनेस कितनी रखनी है, अपेक्स अंच किस तरीके से कनेक्शन देना है, कनेक्शन सेफ है कि नहीं, डबल अपेक्स लगेगा सिंगल अपेक्स लगेगा, सब कुछ बताता है। एक बीम दूसरे बीम से अटैच होगा तो कौन सी स्प्लाइस लगेगी, अगर ये स्प्लाइस लगी तो सेफ है कि नहीं, इन प्लेट लगी है तो इन प्लेट की थिकनेस कितनी होगी, इन प्लेट में बोल्ट कितने कितने साइज के देने हैं, ये सारा कुछ टेकला डिटेल करके आपको दे देता है और एडिट करके भी दे देता है। ये सबसे बड़ा फायदा होता है टेकला का। तो आप सोचोगे सर डिटेलिंग करते क्यों है, क्या डिटेलिंग के लिए हम स्टैंड और ईटैप को नहीं यूज कर सकते हैं? ऐसा भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपको थोड़े से स्टेप बताता हूं जो हमारे डिजाइनिंग के स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। दोस्तों सबसे पहला स्टेप होता है हमारा ड्राफ्टिंग और स्केचिंग, जो हम लोग स्केच करते हैं वो हमारा पहला स्टेप होता है डिजाइनिंग का। ओके, जैसे आपने स्केच वगैरह ड्रॉ कर लिया, उसके बाद उसका जो 3D बनाने का काम होता है जो मैंने आपको रैबिट पे सिखाया है, उसके बाद थोड़े बहुत स्केच और 3D स्मैक्स में सिखाया है, ये क्या है? ये आपका 3D डिटेलिंग, सॉरी ये क्या है, 3D मॉडलिंग है, जो हम लोग अच्छा से मॉडल बना के दे दिया। अब ये मॉडल और ये प्लानिंग जाता है स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास, स्ट्रक्चर इंजीनियर उसको डिजाइन करता है कि कितने उनके बार कितने कॉलम का साइज क्या रखना है, बीम का साइज क्या रखना है, ये सब वो फाइनल कर देता है। इसके बाद का काम वो नहीं करता है, इसके बाद का काम 3D डिटेलर करता है। अब ये 3D डिटेलर क्या करेगा इसके बाद वो काम करेगा कि जो फुटिंग है, फुटिंग में कटिंग लेंथ कितना है, ओके कटिंग लेंथ इतना है, अच्छा कैसे कैलकुलेट करेंगे कटिंग लेंथ को, डेवलपमेंट लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्रैंक बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप अगर स्टील स्ट्रक्चर में बात करो तो कनेक्शंस को कैसे कैलकुलेट करोगे, ये सारा डिटेल करने का काम कौन करता है? टेकला करता है। तो टेकला आपका तीन इंडस्ट्री में काम करता है, पहला है प्रीकास्ट, दूसरा आपका ये प्रीकास्ट के बाद ये काम करता है आपका RCC में, और तीसरा काम करता है स्टील में, इन तीनों में काम करता है। आप सोच रहे होंगे कि सर मैं टेकला के वीडियो आप लोग नहीं डाल रहे, ऐसा सोच रहे होंगे ना, तो यार टेकला का वीडियो में टेकला ऐसे नहीं है कि जस्ट सॉफ्टवेयर डाल दिया और आप आए और चले गए देख के, ऐसा नहीं होता है। टेकला जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए आपको स्टील स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ता है, मैं खुद पूरा स्टील आपको पहले कंप्लीट कराता हूं कि देखो ये स्टील में चीजें आप पढ़ के रखो, तब जाके आपको समझ आता है। तो एक लेक्चर कम से कम 1.5 घंटे का होता है। सो टेकला जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़े से अलग लेवल की चीज है, तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना स्टील का, उसको मैक्सिमम 15 डेज सफिशियंट है, बट जिसका स्टील का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बिलीव करो 1 महीना कम से कम लगेगा आपको सीखने के लिए टेकला सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत बेहतरीन है 3D डिटेलर, अगर आप डिटेलर के जॉब आप देखते होंगे, स्टील डिटेलर, 3D डिटेलर, RCC डिटेलर, ये जो प्रोफाइल आती है, प्रोफाइल किसके लिए होती है? प्रोफाइल टेकला के लिए होती है। आप बोलोगे सर टेकला के अलावा कोई और दूसरा डिटेलिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है क्या, हमको टेकला ही सीखना है ना? कौन सा? रैबिट स्ट्रक्चर, एडवांस स्टील और टेकला, ये तीनों एक ही काम करते हैं, बट थोड़ी थोड़ी क्वालिटी अलग होती है। सो सबसे बेहतरीन क्वालिटी होती है टेकला की।
सेकेंड बेस्ट कौन सा है? सेकेंड बेस्ट आपका है रेविट स्ट्रक्चर, और थर्ड कौन सा है? थर्ड है आपका एडवांस डील। ये सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर से अलग अलग तरीके से यूज होते हैं, बट कॉन्सेप्ट उनका सेम है कि उनको बीबीएस निकालना है, उनको भी डिटेलिंग देना है, उनको भी ऑर्गेनाइजर निकालना है, उनको भी सेक्शन कट करके देना है, सेक्शन की थिकनेस के लिए सब कोई सब कुछ काम वही करेंगे, बट थोड़ा सा जो डीप लेवल होता है वो टेक्ला का ज्यादा होता है। तो मैं आप सबको बोलूंगा कि टेक्ला ये तरीके से आप समझो, टेक्ला कोई भी ये आज से ध्यान में रख लेना, क्योंकि कई लोग मेरे को बोल रहे थे सर टेक्ला में डिजाइन किस तरीके से करते हैं, टेक्ला में डिजाइन नहीं करते हैं, टेक्ला सिर्फ और सिर्फ डिटेलिंग का सॉफ्टवेयर है, डिजाइनिंग के लिए हम लोग स्टैट प्रो यूज करते हैं, टेक्ला की डायरेक्ट फाइल को इंपोर्ट करना है तो रोबोट स्ट्रक्चर करके सॉफ्टवेयर होता है, उस पर जाके हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं। सो इस चीज को क्लियर कर लो, आज के बाद डाउट नहीं होनी चाहिए। आप में से कई लोग हैं जो टेक्ला को बहुत अच्छे लेवल पर सीखना चाहते हैं, तो मैंने उनके लिए कौन सारे हाँ आपके लिए मैं फ्राइडे को हम लोग की जो एक बैच लॉन्च हो रही है, अभी जल्दी ही आपको उसके बारे में मैं बताऊंगा, फ्राइडे को एक बैच लॉन्च हो रही है, वो क्या बोलते हैं, वो हमारा पूरा का पूरा टेक्ला बेस है, ना केवल टेक्ला, टेक्ला के साथ उसमें स्टील स्ट्रक्चर है। बहुत ज्यादा मैं फीस नहीं रखा, क्योंकि इंडिविजुअल अगर मैं सिखाता हूँ तो बहुत बार कॉस्टली होता है वो, तो हमने ग्रुप में लगभग 10 मेंबर्स को एक साथ करने की सोचा है कि एक साथ सब सीखेंगे तो हमें भी अपने टाइम को यूटिलाइज करने का सही से तरीका मिल जाएगा और आपको भी थोड़ा सा कंसेशन मिल जाएगा। तो जिनको भी रियल में पूरा का पूरा टेक्ला सीखना है प्लीज मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना, और व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लेना 9792621121 पे। और उसके अलावा अगर किसी ने सीखा है टेक्ला, अभी उनके पास कोई क्वेरीज है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो कि सर हाँ ये मेरे को क्वेरीज है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैं डेफिनेटली आपको उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अब मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग अपने सिविल के जो सॉफ्टवेयर थे इनसे क्लियर हो गए होंगे उनके माइंड की कौन सा सॉफ्टवेयर कहाँ पे यूज होता है। अभी भी कोई डाउट है किसी सॉफ्टवेयर को क्यों यूज करना, उसमें एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आप मुझे कमेंट करना कि सर इस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बताइए, डेफिनेटली मैं उस सॉफ्टवेयर के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूँ टेक्ला की, तो टेक्ला में मैंने बताया हुआ कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यूअर आस्क्ड इन टेक्ला, चेक कर लो। फिर आज और भी चाहिएगा किसी सॉफ्टवेयर में कि ये सॉफ्टवेयर का इंटरव्यू है मेरा क्या क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कई लोगों ने मुझे बोला था रेविट के भी क्या क्वेश्चन पूछते हैं, रेविट में अगर आपने पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक क्लियर कर लिया पहला क्वेश्चन सॉल्व है आपका, और ये इस पे इस बेस पे केवल 4 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाएंगे, किस पे, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक फैमिली पे पक्का है। इसके बाद दूसरा है मैसिंग एंड साइड, चलो मैं अभी दूसरे कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगा, नहीं तो क्या होगा कि कभी डिस्कस करूंगा डीप लेवल पे रेविट में कौन कौन से क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, बट टेक्ला में तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं, ऑर्गेनाइजर है, प्लेट लगाते क्यों, कौन सा प्लेट कहां लगाते और क्यों लगाते हैं, क्लिप एंगल लगाते तो क्यों लगाते हैं, क्लिप एंगल के फायदे क्या, क्लिप एंगल के टाइप्स कौन कौन से, अगर हम लोग बोल्ड लगा रहे तो कौन सा बोल्ड लगाना है, HSFG क्यों रखना है, कोई दूसरे बोल्ड क्यों रखने हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से स्टैंडर्ड्स से यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कर सकते हो क्या, इंडियन स्टैंडर्ड कर सकते हो क्या, कौन कौन से इन्वायरमेंट्स यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। वैसे मैं अमेरिकन और इंडियन दो इन्वायरमेंट पे काम करता हूँ, तो मैं आपको दो इन्वायरमेंट के बारे में बताता हूँ, और उसके अलावा जो दूसरे इन्वायरमेंट है सारे के सारे सेम है, तो आप उनको इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं कि अच्छा ये इसका मेथड है। क्या होता है कि हमारे स्टील का स्टैंडर्ड है क्या, ISMB ISLB ISHB इस तरीके से हमारे इंडियन स्टैंडर्ड चलते हैं, ASW वगैरह उनके चलते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड के चलते हैं, बस इतना सा डिफरेंस होता है, नेम चेंज होते हैं, बाकी काम तो यार स्टील तो सबकी वही है। कोल्ड फॉर्म स्टील है तो 350 उसका क्या बोलते हैं किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर उसका इन डिस्टेंस होगा, अगर हॉट रोल स्टील है तो उसका 250 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर होगा। तो ये सारे क्वेश्चन फिक्स हैं, और क्या बोलते हैं आप इसको अगर अच्छा लगे आपको तो फटाफट कमेंट करना वीडियो में, और प्लीज बताना कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे लिखा हूं, और भीम का वीडियो भी इवनिंग में आने वाला है, अभी ये मॉर्निंग में आपको ये वीडियो मिला है, प्लीज शेयर कर दो इसको, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना जल्दी से मैं फिर से आऊंगा आपके पास। मैं तो चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा एक दिन 3 वीडियो बने, बट 3 वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अपने पास थोड़े बहुत ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं, प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, उन सब में पूरे दिन बिजी रहते हैं, बट जैसे समय मिलता है आप तक मैं पहुंचता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस, जय हिंद जय भारत। हाँ एक चीज और बताना चाहूंगा, सॉरी फिर से, किसी को अगर नहीं पता कि टेक्ला में क्या क्या सीखना चाहिए तो मेरे से टेक्ला का सिलेबस ले सकते हो, किसी को रजिस्टर करना है तो टेक्ला के लिए फ्राइडे को अपना, फ्राइडे को बैच स्टार्ट होती है तो उसको रजिस्टर कर सकते हो। टेक्ला ध्यान देना, टेक्ला जब सीखना तो वो डीप में सीखने के लिए पहले स्टील पढ़ते रहना, अगर आप फ्राइडे से ज्वाइन करना चाह रहे हो तो अभी से स्टील पढ़ लो थोड़ा सा, क्योंकि RCC तो आपको पता होता है, RCC तो हमारे कॉलेज में पढ़ाया जाता है, बट स्टील में मैंने देखा है बहुत कम लोगों को नॉलेज होता है स्टील में, तो उनको पता नहीं चलता ये कनेक्शन क्यों लगाना है, उसके रीजंस, फिलेट लगाना तो कौन सा फिलेट लगाना है, वेल्ड लगाना तो कौन सा वेल्ड लगाना है, वेल्ड का कितना परसेंटेज देना, वेल्ड के सिंबल्स कौन कौन से होते हैं, फिलेट सिंबल्स कौन कौन से होते हैं, फिलेट के कौन कौन से टाइप होते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा फिलेट यूज होता है, ये सारा यहाँ पे हम लोग को पढ़ना पड़ता है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, तो डेफिनेटली हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वंस अगेन जय हिंद जय भारत।